3, 2, 1, go! तो गैस अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करके पूरा लास्ट तक देख लेते हो तो आप लोग M187 से एकदम गॉड लेवल का वन टाइम मारना सीख जाओ। एंड इस वीडियो में मैं आपको आगे जाकर जो जो ट्रिक बताने वाला हूँ, जितना भी लेजेंड प्लेयर है लाइक राइस्टार, M810, White FF, वो सब लोग इसी ट्रिक को यूज करके इतना खतरनाक लेवल का रेड नंबर वन टाइम मारते हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरी वॉइस को पहली बार सुन रहे हो एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और भी मिलने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस वन टाइम मारने के लिए जिस चीज के ऊपर आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा वो है आपका गेम का सेंसिटिविटी। तो आपका जो गेम का जनरल सेंसिटिविटी है आपको उसको पूरा 100 कर देना है। एंड अगर आप थोड़ा हाई एंड डिवाइस में खेलते हो तो आप अपना हिसाब से 95 से 98 तक इजीली रख सकते हो, जिसमें आपको सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है आप उसी सेंसिटिविटी को रखना। क्योंकि जनरल सेंसिटिविटी को हाई रखने से आप इजीली मूवमेंट कर पाओगे एंड आपको जिगजैग मूवमेंट सुपर जंप करने में भी हेल्प होगा, जिससे आपका एनिमी आपको नहीं मार पाएगा। एंड आपको कंट्रोल्स में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है एंड कस्टम एचयूडी में भी आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। आप जिसी कस्टम एचयूडी में खेलते हो आपको उसी कस्टम एचयूडी को ऐसे रख देना है। तो सेंसिटिविटी के बाद अब बारी आता है एम के ऊपर, मतलब आपको अपना एम को कैसे कहां पे सेट करना है। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों का एक डाउट क्लियर कर देता हूं। ज्यादातर बंदे का मन में एक डाउट रहता है कि मुझे वन टैप मारते वक्त अपना एम को रेड करना है या व्हाइट करना है। तो आप लोग एकदम साफ साफ सुन लो कि वन टैप मारते वक्त कभी भी अपना एम को रेड नहीं करना है, आपको हमेशा आपका एम को व्हाइट रख के वन टैप मारना है, इससे आपका वन टैप इजीली लगेगा। और अगर बात करें कि आपको अपना एम को कहां पे रखना चाहिए, तो गाइस आपको अपना एम को हमेशा रखना चाहिए एनिमी का साइड में, मतलब वो हो सकता है लेफ्ट साइड में या हो सकता है उसका राइट साइड में, मतलब आपको अपना एम को अपना एनिमी का सबसे साइड में रखना होगा। अगर आप चाहो तो थोड़ा पैर लेवल के भी रख सकते हो, पर कभी भी अपना एम को अपना रेड नहीं करना है, आपको हमेशा अपना एम का साइड में रखना है। देख सकते हो जैसे मैं रख रहा हूं, एंड चाहो तो आप राइट में या लेफ्ट में कहीं भी रख सकते हो, पर हमेशा याद रखना कि आपको अपना एम को कभी भी रेड नहीं करना है, उसको व्हाइट रख देना। एंड ऐसे ही एम सेट करने के बाद अगर आप सही तरीके से ड्रैग करते हो तो आपका हर एक गोली रेड नंबर वन टैप लगेगा। तो अब बारी आता है कि आपको सही तरीके से कैसे ड्रैग करना चाहिए, मतलब आपको किस मोमेंट में कौन सी ड्रैग स्टाइल का इस्तेमाल करना चाहिए, लाइक स्ट्रेट ड्रैग, रोटेशन ड्रैग एटसेट्रा। तो गाइस देखो अगर आपका एनिमी मिड रेंज में है, ठीक है, थोड़ा मिड रेंज में है एंड वो सीधा खड़ा है, मतलब वो थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं करना है, तो आपको सिंपली स्ट्रेट ड्रैग करना है। एंड अगर आप मिड रेंज में स्ट्रेट ड्रैग करते हो तो आपका इजीली वन टैप लगेगा। तो इस क्लिप को आप लोग थोड़ा स्लो मोशन में देखो, आप लोग इजीली समझ जाओगे कि आपको मिड रेंज में कैसे स्ट्रेट ड्रैग करके वन टैप मारना होता है। तो गाइस यहाँ पे देखो मेरा एनिमी स्टील खड़ा है, मतलब वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो मैंने सुपर जंप लेकर अपना फायर बटन को सीधा ऊपर की तरफ खींचा, मतलब स्ट्रेट ड्रैग किया एंड उसको इजीली वन टैप लग गया। तो ऐसे ही अगर आपके एनिमी मूवमेंट नहीं कर रहा है तो आपको ऐसे स्ट्रेट ड्रैग का इस्तेमाल करके वन टैप मारना होता है। तो अगर आपने इस ट्रिक का अभी तक नहीं समझा तो एक बार पीछे स्किप करके देख लो, आप लोग समझ जाओगे। और अगर आपका एनिमी आपका एकदम क्लोज रेंज में है, मतलब वो आपका बाजू में है एंड वो मूवमेंट कर रहा है, मतलब वो इधर उधर भाग रहा है, तब आपको इस्तेमाल करना होगा रोटेशन ड्रैग का। तो आप लोग इस क्लिप को थोड़ा स्लो मोशन में देखो तो आप लोग इजीली समझ जाओगे कि आपको शॉर्ट रेंज में कैसे रोटेशन ड्रैग का इस्तेमाल करके वन टैप मारना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे देखो मेरा एनिमी सीधा सामने की तरफ भाग रहा है, इसलिए मैंने अपना फायर बटन को रोटेट करके ड्रैग किया, मतलब रोटेशन ड्रैग किया एंड उसको इजीली वन टैप लग गया। तो अगर आपने रोटेशन ड्रैग का ट्रिक को अभी तक नहीं समझा तो फिर से एक बार पीछे स्किप करके देख लो, आप लोग समझ जाओगे। एंड हर बार वन टैप मारने से पहले आप लोग जरूर जिगजैग मूवमेंट एंड सुपर जंप का इस्तेमाल करना, क्योंकि जिगजैग मूवमेंट करने से आपका एनिमी आपको वन टैप नहीं मार पाएगा एंड सुपर जंप लेने से आपका एक्यूरेसी भी काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगा। और इस वीडियो में मैंने आपको जितना भी टिप्स बताया, जितने भी लेजेंड प्लेयर है लाइक राइस्टार, M810, Xerox FF, वो सब लोग इसी ट्रिक को यूज करके इतना खतरनाक लेवल का वन टैप मारते हैं। तो आप लोग भी जरूर इस ट्रिक को फॉलो करके ऑब्वियसली प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आप कभी भी एक अच्छा वन टैप प्लेयर नहीं बन पाओगे। और आप कैसे प्रैक्टिस करोगे मैं आपको वो भी बता देता हूं। आपको हमेशा प्रैक्टिस करना होगा आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके, पर पहले अगर आप बिगिनर हो तो आपको ट्रेनिंग के अंदर जाके प्रैक्टिस नहीं करना है। ट्रेनिंग का यहाँ पे स्टार्टिंग में जो एक एडम रहता है ना, यहाँ पे देख सकते हो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद जब आप थोड़ा इंप्रूव हो जाओगे आपका गेम प्ले, तब आप इसका अंदर जाके इजीली प्रैक्टिस करो एंड आपका दोस्तों को भी कस्टम में बुला के प्रैक्टिस। और ऐसे ही धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप लोग खतरनाक लेवल का रेड नंबर वन टैप मारना सीख जाओगे। और एक चीज याद रखना कि अच्छा खेलने के लिए कभी भी गन स्किन मैटर नहीं करता है। और आप लोग देख सकते हो कि मैं भी खुद विदाउट गन स्किन खेल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई भी गन स्किन नहीं है M187 का। बस कुछ दिन के लिए जो फ्री का स्किन मिला है मैं उसको भी यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं
नहीं है बिल्कुल भी। तो आप लोग भी कभी ये मत सोचना कि मेरे पास अच्छा गन स्किन नहीं है इसलिए मैं अच्छा नहीं खेल सकता, उसके पास अच्छा गन स्किन है इसलिए वो अच्छा खेल रहा है। अच्छा खेलने के लिए बस आपका स्किल मैटर करता है। तो आप लोग अपना स्किल पे फोकस करो एंड उसको इम्प्रूव करने का ट्राई करो, एंड जब आपका अपना स्किल इम्प्रूव हो जाएगा तब आप इजिली एक अच्छा प्लेयर बन जाओ। और आपका ओपोनेंट में जो महंगा गन स्किन वाला एनिमी होगा उसको भी आप गंदा तरीके से पेल पाओगे। और इसके साथ आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, और अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना ऐसे वीडियो और भी मिलने के लिए। एंड आपको वीडियो को हर एक दोस्तों के साथ व्हाट्सएप या व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करना। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते किसी नए वीडियो में।